हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टोकुगन गोगोई जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो है सन 1914 की सिगबर्ट ट्राश वर्सेस कार्ल सेटजिंगर। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स F4 यानी बर्ड ओपनिंग के साथ सिगबर्ट ट्राश ने शुरू किया। कार्ल का रिप्लाई यहाँ E6 का आया। नाइट F3, D5, E3, C5, B3, बिशप E7, बिशप B2, बिशप F6, देन बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। चलिए नाइट E5 रोक दिया है। तो यहाँ कार्ल ने एक छोटी सी बेसिक गलती की जो आगे जाकर प्रॉब्लम बनी। बिशप टेक C5 किया गया। यूजुअली शायद भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बिशप टेक C5 खेला जाएगा और उसके बाद भी पॉन पर अटैक, नाइट बाहर निकलेगा एंड ऑल दैट। लेकिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एफ टेक C5 की कौन अपने हाथ से जाने देगा। देखिए एफ फाइल तो ओपन मिल ही जाएगी ना आने वाले समय में, और नाइट को डेवलप करना पड़ेगा E7 स्क्वायर पर, वो अलग। बिशप D3 यहाँ पहले खेला गया। नाइट एट बी गोज टू C6 और इसके बाद दोनों साइड्स का वन बाय वन कैसा लाया और डायरेक्टली क्वीन IH5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स गेम में डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। ये है चेकमेटिंग थ्रेट। दो डिफेंस हैं, पॉन को आगे पुश किया जाए या नाइट लगाया जाए। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं नाइट यहाँ ज़रूर लगाऊंगा। नाइट का लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन रुक F3 स्क्वायर पर आना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है मेरे ख्याल से फॉर ब्लैक। क्वीन H4, चूंकि नाइट लगाया है तो आप क्वीन को H4 स्क्वायर पर लेकर आओ, जो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रही है, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए उससे रिलीफ पाओ आराम से। क्वीन टेक्स H4 करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नाइट टेक्स H4 हो जाएगा और उसके बाद रुक हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट एट सी गोज टू E7। ठीक है, वाइट का प्लान ये है कि रुक आएगा ही एच फाइल में तो H1 आगे पुश कर देंगे, ऑल इज वेल। नाइट C3, देन हुआ A6, रुक एट ए गोज टू F1 और रुक्स की यहाँ हो चुकी है बैटरी तैयार। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम वाला काम हुआ। B5 खेला गया, देन नाइट आया D1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स नाइट मैन्यूवर क्या रास्ता इख्तियार करने वाला है वो भी क्लियर है। बिशप आया B7 स्क्वायर पर और इंटेंशन यही होगी कि रुक पर अटैक बने किसी तरह से बिशप का। तो ब्लैक भी यहाँ अपने अटैक प्लान तैयार कर रहा है। नाइट आया F2 स्क्वायर पर, वाइट के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर फॉर ब्लैक मैं कह सकता हूँ कि जब अटैक इतना भयानक बनता जा रहा है, एच पॉन आगे पुश इस पॉइंट पर कर देना चाहिए था एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पहले खेला गया C4। C4 ठीक भी है कि ठीक है यार, तुम पहले कम से कम इस बिशप को तो हटाओगे, ये अनोइंग बिशप हटेगा तो थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा यहाँ पर ब्लैक को। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट G4। फ्रेंड्स मैं यहाँ रोकना चाहूंगा गेम को जस्ट एक मूव पहले। देखिए बिशप तो फिर भी नहीं बचाया, वाइट ने फिर भी नहीं बचाया। तो वाइट यहाँ अपने रुक को H3 स्क्वायर पर ले जाकर डायरेक्टली चेकमेटिंग थ्रेट दे सकता है, फोर्स करता है कर सकता है ब्लैक को अपने H1 को आगे पुश करने के लिए। उसके बाद नाइट H4 हो सकता है और फिर आप यहाँ नाइट सेक्रीफाइस, बिशप सेक्रीफाइस सब कुछ आराम से जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया नाइट G4 और यहाँ बिशप को नहीं लिया गया और बचाया गया। अब क्या करें? देखिए सी टेक्स D3 एक बार मैं करके देखना चाहूंगा क्योंकि बिशप सेक्रीफाइस आया। अब ये गेम वाइट किस तरह से आगे बढ़ा पाएगा? अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक H3 एक्सपेक्टेड है, ये खेला जाना है। अब दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है H6 की। अगर यहाँ H6 खेला गया तो नाइट टेक्स H6 चेक होगा। जी टेक्स H6 होने के बाद क्वीन टेक्स H6 और वो चेकमेटिंग थ्रेट का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल का संभव ही होगा। लेकिन ब्लैक थोड़ा बीच में जाके चला गया मैं गेम के। यहाँ अगर ब्लैक एफ पॉन को आगे पुश कर दे तो एनपेसेंट हो जाएगा और लगभग वही सिचुएशन फिर दोबारा आकर खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स यहाँ ये बिशप सेक्रीफाइस जस्टिफाइबल है, किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। खैर अब ब्लैक ने भी समझ लिया कि अगर मैं लेता हूँ इस बिशप को तो मैं फंसता हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ अपने डायरेक्टली एफ पॉन को आगे पुश किया, थोड़ा ब्रिदर बनाने की कोशिश की। ई टेक्स F6 एनपेसेंट हुआ और एनपेसेंट होने के बाद देखिए बिशप बहुत शानदार एक्टिव हो चुका है। तो पहले ही एक्टिव था और अच्छे से एक्टिव हो गया है। अब क्या करें? रुक से इस पॉन को ले नहीं सकते, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब यहाँ कार्ल ने अपने नाइट को लिया F5 स्क्वायर पर और एटलीस्ट एक बिशप की फायरिंग लाइन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। F टेक्स G7,
और फ्रेंड्स ये पॉन पहुंचा दिया है 7th रैंक में, रुक पर अटैक है तो इसका मतलब हटाना पड़ेगा, बिशप का सपोर्ट भी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ऐसा होने के बाद हुआ नाइट टेक्स G7। और फ्रेंड्स चलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ तक इस गेम में अब तक सब कुछ सही था, ब्लैक अच्छा डिफेंस कर रहा था, वाइट अच्छा अटैक लगा रहा था, वाइट डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जो कुछ अब यहाँ ट्राश ने किया वो अनएक्सपेक्टेड था फॉर व्यूअर्स एज वेल एज फॉर ब्लैक। यहाँ आई डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन टेक्स H7। फ्रेंड्स ये बिशप इतनी दूर रखे हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि ब्लैक अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही पोजीशनिंग है सभी पीसेस की, रुक्स की बैटरी भी तैयार है, किंग टेक्स H7 फोर्स्ड हो जाता है। इसके बाद इस गेम में आगे बढ़ने की बारी आती है रुक की, रुक H3 चेक हुआ। अब यहाँ से किंग गया H3 स्क्वायर पर, आप कहेंगे यार ये अभी कुछ एंड रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हाँ आप सब लोगों को ये नाइट की चेक जरूर नजर आ गई होगी। नाइट H6 चेक, वापस किंग H5 में आएगा। H7 स्क्वायर पर यहाँ पर कार्ल ने अपने किंग को रखा, देन हुआ नाइट F7 चेक, और फ्रेंड्स ये है डिस्कवर्ड चेक। अब क्या करें फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ मटेरियल यहाँ ब्लैक जीत चुका है, मतलब क्वीन उसके पास पूरी एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना एक बार क्वीन को बीच में लगाकर देखा जाए कि यहाँ अगर क्वीन सेक्रीफाइस कर दी जाए तो। फ्रेंड्स मेरा ही ध्यान नहीं गया, मैं कहाँ भूल गया, ये नाइट तो ऑलरेडी पिन है तो क्वीन तो सेक्रीफाइस हो ही नहीं सकती, सीधा सीधा से क्वीन ही पूरी चली जाएगी, उससे भी जान नहीं बचती। रुक टेक्स H4 होगा, नाइट बीच में लगा दो, फिर दोबारा चेक दो, किंग को जाना पड़ेगा H8 स्क्वायर पर, देन रुक H8 चेक होगा, नाइट टेक्स H8 कर तो लेंगे, लेकिन अब इन दोनों बिशप्स की मदद से यहाँ होगी, जब नाइट से चेक आएगी वो चेकमेट हो जाएगी, तो क्वीन का बीच में लगाना तो वैसे ही बेवकूफ़ी भरा मूव है। ब्लैक ने कहा कि ठीक है मैं एक चांस लेता हूँ, अपने किंग को ले जाता हूँ G8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स जिन लोगों को यहाँ वो चेक मेटिंग थ्रेट जो मैंने हिंट दिया था वो समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ खेला गया रुक H8 चेक का मूव, नाइट टेक्स H8 करना ही पड़ा, और फाइनल मूव था यहाँ पर सिगबर्ट ट्राश का नाइट H6 चेक। और फ्रेंड्स जिस बिशप जो पॉन के ऊपर रखा था उसकी मदद से स्पेशली यहाँ पर ये हुई चेकमेट, यहाँ रुक ने भी F5 को इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रखा है। फ्रेंड्स बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन लास्ट में जो खेला गया, जो उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।